जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं दोस्तों, अगर आप MPL ओपिनियो से पैसे कमाना चाहते हो, कैसे आपको खेलना है, कैसे यूज़ करना है MPL ओपिनियो एप्लीकेशन, तो यहाँ पर सब कुछ बताऊँगा। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिएगा। देखिए दोस्तों, आगे बढ़ूँ उससे पहले बोल रहा हूँ दोस्तों, अगर आप टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हो तो याद से जुड़ जाना दोस्तों। अगर आप MPL ओपिनियो खेलना चाहते हो या ओपिनियो से पैसे कमाना चाहते हो तो याद से आपके भाई की टेलीग्राम पर जुड़ जाएगा, क्योंकि आपका भाई आपको प्रेडिक्शन देने वाला है। ड्रीम इलेवन की भी आपको प्रेडिक्शन दूंगा। अगर आप क्रिकेट मैच खेलते हो, मतलब टीम बनाते हो, अगर आप टीम नहीं बनाते हो, ओपिनियन से पैसे कमाना चाहते हो तो भी आप याद से टेलीग्राम पर जुड़ जाएगा। आपका भाई आपको बहुत ही बेस्ट प्रेडिक्शन देने वाला है, याद रखना ठीक है। तो याद से जुड़ जाएगा, मैं लिंक आपको दे दूंगा। चलिएगा दोस्तों, अब आपको मोबाइल स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूँ आपसी को, मैंने बोला है कि आप MPL ओपिनियो से पैसे कैसे कमा सकते हो, ठीक है, ये बताने वाला हूँ। पर देखिए दोस्तों, मैं आपको MPL ओपिनियो एप्लीकेशन नहीं बता रहा हूँ, उससे भी बेस्ट एप्लीकेशन बता रहा हूँ, जिसमें दोस्तों MPL ओपिनियो एप्लीकेशन क्या है, जिसमें आपको ओपिनियन देना होता है, ठीक है। उससे बेस्ट एप्लीकेशन बता रहा हूँ जो मैं खुद यूज़ करता हूँ, वो भी सेम टू सेम ओपिनियो एप्लीकेशन है, बस सिंपल सा नाम उसका दूसरा है बस। और यहाँ पर अगर आप बात करोगे, उसका इंटरफेस आपको ईजी देखने को मिलेगा, डिफ़िकल्ट देखने को नहीं मिलेगा। वहाँ पर आप ईजिली पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, ट्रस्टेड एप्लीकेशन है, 1000% मैं गारंटी लेता हूँ, आपकी MPL ओपिनियो से बेस्ट ही एप्लीकेशन है, याद रखना ठीक है। बस आपकी जो MPL ओपिनियो एप्लीकेशन है दोस्तों, वो एप्लीकेशन ज़्यादा प्रमोशन कर रही है, तो आपने ऐड देखा होगा, इसलिए आप इस वीडियो को देखने आ गए, ठीक है, याद रखना। तो देखिए दोस्तों, MPL ओपिनियो एप्लीकेशन अगर आप खेलोगे यहाँ पर, तो देखिएगा यहाँ पर आपको टैक्स लगता है सबसे पहले, ठीक है, टैक्स एप्लीकेशन नहीं देती है। जबकि जो मैं एप्लीकेशन आपको बताने वाला हूँ, वो खुद से अपने पैसे से, मतलब जो आपसे नहीं लेगी टैक्स, वो खुद से देगी 30% टैक्स, ठीक है, और 28% जो आपका GST लगता है वो एप्लीकेशन खुद से देगी। तो मैं आपको बेस्ट एप्लीकेशन बता रहा हूँ, जिसे खेलना है वहाँ पर वो खेल सकता है, जिसे MPL ओपिनियो पर खेलना है तो वो आप, मैं दूसरी वीडियो का लिंक दे दूँगा, आप उसे देख सकते तो, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, एप्लीकेशन का मैं लिंक दूंगा, रियल इलेवन एप्लीकेशन का नाम है, सिंपल सा एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, जिससे टैक्स बचाना है, जिससे GST बचाना, मतलब अपने पैसे नहीं देने, एप्लीकेशन आपके लिए मतलब खुद से पैसे देगी, ऐसा नहीं कि वो गवर्नमेंट का पैसे मतलब चोरी कर कर रख लेगी, ठीक है, ऐसा नहीं करेगी, वो खुद से पैसे दे रही एक एक बंदे का, तो याद रखना, इसलिए वो एप्लीकेशन खुद से ऐड नहीं चला रही, जबकि ये एप्लीकेशन क्योंकि आपसे लेगी तो इसलिए ये ऐड चला रहे हैं, ठीक है, प्रमोशन पर। तो देखिए दोस्तों, रियल इलेवन एप्लीकेशन का मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से इसे डाउनलोड कर लीजिएगा, अकाउंट बना लीजिएगा, बहुत ही सिंपल तरीका है। आप अकाउंट बना लोगे दोस्तों, उसके बाद आपको कैसे खेलना है ये बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, आप चले जाओगे तो यहाँ पर आपको जो इंटरफेस दिखाई देगा रियल इलेवन एप्लीकेशन पर, वो आपको देखने को मिलेगा। फैंटेसी की क्रिकेट खेल सकते हो, मतलब टीम बना सकते हो। फिर यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है ओपिनियन, ठीक है, तो आप इस पर क्लिक कीजिएगा, सिंपल सा इस पर आप दोस्तों क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा ट्रेंडिंग नाउ, जो भी अभी इस टाइम पर मैचेस चल रहे हैं या आने वाले हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जो मैच दोस्तों लाइव चल रहा होगा उसके सामने लिखा होगा लाइव, ठीक है, और जो मैच लाइव नहीं चल रहा होगा उसके सामने दोस्तों लाइव नहीं लिखा होगा, जैसे ये वाला मैच अभी आने वाला है, अभी लाइव नहीं चल रहा है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जैसे मैं मान लेता हूँ ये आपका राजस्थान वर्सेस दिल्ली का मैच होने वाला IPL का, ठीक है, इसमें हम जैसे ट्रेड करेंगे, मतलब पैसे लगाएंगे, तो यहाँ पर दोस्तों कितने लोगों ने ट्रेड किया है ये देख पा रहोगे। अभी तो मैच मतलब स्टार्ट नहीं हुआ है, मतलब होगा लगभग 5 घंटे बाद, 4 घंटे 52 मिनट्स बाद ये मैच स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहोगे, अभी जो सबसे पहला आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, आप देख पा रहोगे कितने लोगों ने किया है यहाँ पर, तो 2,45,181 लोगों ने यहाँ पर ट्रेड किया है। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, ये 10% तक रहेगा, इससे ऊपर ये नहीं जाएगा, ठीक है, 1% आप मान सकते हो, 10% के यहाँ पर बराबर है, ये 10% तक आपको लगाना है यहाँ पर दोस्तों। अगर आप यस करते हो, यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं, चलिए मैं आपको ये मान लेता हूँ कि आपको इंग्लिश नहीं आती, मैं सिंपल सा ये बता देता हूँ, तो आपको इंग्लिश नहीं आती, आप हिंदी में खेलना चाहते हो तो ऊपर देखिएगा, यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये हिंदी भी हो जाएगा, ठीक है। आप देखिएगा दोस्तों क्या पूछ रहे हैं, ये सिंपल सा, तो आप पूछ रहे हैं दोस्तों क्या राजस्थान दिल्ली के खिलाफ T20 मैच जीत पाएगा, तो यहाँ पर अगर आपको लग रहा है यस, तो यस पर आप क्लिक करोगे 6%, क्योंकि पहला मैच जो हुआ दोस्तों आपका राजस्थान का LSG से, तो वहाँ पर ये जीत गए थे, इसलिए यहाँ पर 6% लोगों को लग रहा है कि हाँ ये जीतेगी। तो यहाँ पर ट्रेड कितने अवेलेबल हैं, यहाँ पर आप देख पाओगे 6 पर कितने अवेलेबल हैं, 29,580 लोगों ने यहाँ पर ट्रेड अभी अवेलेबल हैं,
इससे नीचे करोगे दोस्तों ऐसे मतलब, तो यहाँ पर आप सोचोगे कि 5:30 पर ये मिल जाए, तो देखिएगा अभी कोई भी यहाँ पर मैच नहीं हो रहा है क्योंकि एक भी ट्रेड अवेलेबल नहीं है। ज़्यादातर लोगों को लग रहा है जीतेगी सेकेंड मैच भी, तो इसलिए यहाँ ज़्यादातर लोग यस कर रहे हैं। और नो अगर आप दोस्तों करते हो, नो करना मत दोस्तों, अगर आपको नहीं लग रहा है कि नहीं जीतेगी तो फिर मत करना। जो भी आपको लग रहा है कि जीतेगी तो आप कर सकते हो यस, अगर आपको लग रहा है कि नहीं जीतेगी तो आप कर सकते हो नो। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको ये लालच करना है कि यार यस पे तो कम पैसे मिल रहे हैं, नो करूँगा तो जीत जाऊँगा, वहाँ पर आपको लॉस हो जाएगा, कम कमाना पर लॉस में मत जाना। ठीक है, तो आप 9 पे क्लिक करोगे दोस्तों, तो यहाँ पर देखिएगा अगर यहाँ पर आपको लग रहा है कि नहीं जीतेगी राजस्थान तो 9 पे क्लिक करोगे तो सिंपल सा आप, और यहाँ पर आपको इसको नीचे भी करोगे तो देखिएगा 4 पर तो कोई ट्रेड अवेलेबल नहीं है, पर यहाँ पर अगर 4:30 पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देख लीजिएगा 29,000 ट्रेड अवेलेबल है। अब आपको पैसे इन्वेस्ट करने हैं, मेरे पास आप देख पाओगे पैसे कितने हैं, 564 रुपीज़ हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो एक स्लॉट दोस्तों आपको जो देखने को मिल गया, स्लॉट फी आप देख पाओगे कितने में मिल रही है दोस्तों, यहाँ पर आप सिंपल से देख पा रहोगे। ठीक है, 4.05 रुपये में आपको एक स्लॉट मिलेगा। यहाँ पर आप क्वांटिटी देखिएगा कितने ले सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा आप दोस्तों यहाँ पर ये क्वांटिटी खुद से सिलेक्ट कर सकते हो, लिख सकते हो आप मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा आप 1,00,000 क्वान्टिटी ले सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं ले सकते हो। ठीक है, एक क्वान्टिटी आपको 4.5 रुपये मिल रही है, तो अगर यहाँ पर मैं 10,100 लेता हूँ मान लेता हूँ तो कितने इन्वेस्ट होंगे मेरे टोटल, तो आप देख लीजिएगा 4.5 रुपये इसमें एक मिलेगी, तो 450 रुपये आप यहाँ पर लगाओगे और आपको जो रिटर्न मिलेगा दोस्तों अगर राजस्थान नहीं जीतेगी तो, ठीक है देखिएगा, तो मुझे रिटर्न मिलेगा 1,000 का, तो लगभग मुझे कितना प्रॉफिट हो जाएगा, 5.5 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। अब एप्लीकेशन थोड़ा खुद का भी रख लेगी तो आप मान सकते हो 50 रुपये एप्लीकेशन खुद का रख लेगी। ठीक है, तो यहाँ पर 550 में से आप मान सकते हो 500 रुपये का तो मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। पर देखिए दोस्तों ये तो सिंपल सा आपको सबसे ऊपर देखने को मिलेगा, फिर आप यहाँ पर ये भी कर सकते हो, देखिए क्या लिखा है, टॉस जीतने वाली टीम क्या बल्लेबाजी करना पसंद करेगी पहले, मतलब ये जो मैच होगा इसमें जो भी टॉस जीतेगी टीम, ठीक है, वो क्या वो पहले बैटिंग करेगी, यस लग रहा आपको तो यहाँ पर आप यस कर सकते हो, अगर आपको नो लग रहा है तो नो कर सकते हो। देखिएगा 3:30 पर यहाँ पर नो यस पर है, अगर आप 3 रुपये लगाओगे, ठीक है, यहाँ पर जैसे मैं 100 लगा कर देखता हूँ, 100 लिख देता हूँ आपके लिए, तो 350 आप लगाओगे 1,000 मिलेगा। अगर आपको लग रहा है टीम पहले मतलब टॉस जीत कर बैटिंग करेगी, तो अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार T20 मैच में तो टॉस जीत कर ज़्यादातर लोग बॉल फर्स्ट करते हैं, मतलब बैटिंग नहीं करते हैं फील्डिंग करते हैं, तो यहाँ पर अगर आप 100 लोगे 7 पर मिलेगा आपको, क्योंकि 7 पर कितने वो भी कितने मिल रहे हैं आप ट्रेड देख पा रहे, 46 लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप 46 ही ले सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं ले पाओगे क्योंकि अवेलेबल ही नहीं। फिर आप उसको थोड़ा सा आप आगे कीजिएगा, 7:30 पर कितने अवेलेबल हैं ट्रेड, 3,000 यहाँ पर 362 ट्रेड अवेलेबल हैं 7.5 रुपये पर। ठीक है, यहाँ रखना, तो आप इस तरीके से ले सकते हो और यहाँ पर आपको प्लेयर का भी देखने को मिल जाएगा। मैं बता दूं दोस्तों हर ट्रेड पर आप पैसे मत लगाना कि ये प्लेयर इतने रन मारेगा नहीं मारेगा, इतने विकेट गिरेंगे, इस पर मत लगाना क्योंकि इस पर कभी भी पता नहीं होता, हमको प्रेडिक्ट हम नहीं कर सकते कि कौन प्लेयर आज रन मार देगा कौन नहीं मारेगा, विकेट गिरेंगे नहीं गिरेंगे, ये मत करना। आप सिंपल सा अगर करना चाहते हो तो आप सिंपल सा इस पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, अगर आप किसी प्लेयर पर लगा रहे हो तो आप कम पैसे लगाइएगा याद रखना। ठीक है, तो आप लॉस में नहीं जाओगे। तो सिंपल सा दोस्तों यहाँ पर जैसे मैं मान लेता हूँ, आपको एक ट्रेड लेकर दिखा देता हूँ, जैसे यस पर मैं करता हूँ राजस्थान जीतेगी मैं मान लेता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं आपको एक ट्रेड लेकर दिखा देता हूँ, मैं दिखाने के लिए कर रहा हूँ, मैं फिर मैच टॉस होगा उसके बाद करूँगा। ठीक है, आप टॉस के बाद, और याद रखना दोस्तों जो आप ओपिनियन दे सकते हो ये फर्स्ट इनिंग के बाद भी दे सकते हो, अगर आपको फर्स्ट इनिंग के बाद पता चला है कि ये टीम जीतने का ज़्यादा चांस हो गया, अब किसी ने 200 बना दिए टीम ने, राजस्थान ने पहले बैटिंग करते हुए 200 बना दिए, तो फिर दिल्ली का चांस आप मान सकते हो 80% चांस हो जाएगा कि नहीं जीतेगी, 20% चांस होगा दिल्ली का कि मतलब जीत सकती है अभी भी। ठीक है, तो अगर आपको फिर भी लगे कि नहीं दिल्ली जीत सकती है तो फिर आप उस टाइम पर भी मत लेना जब दिल्ली के 10 ओवर हो जाए, मतलब पहली इनिंग खत्म सेकंड इनिंग का 10 ओवर होगा उसके बाद ले लेना, आपको प्रॉफिट कम मिलेगा पर आपको मिलेगा याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैं एक ट्रेड ले लेता हूँ, यहाँ पर सिंपल सा आपको कंफर्म कर देना है, जैसे आप कंफर्म करोगे आपकी ये हो चुका है, आप देख पाओगे स्लॉट एक मैच हो गया है यहाँ पर देखिएगा। ठीक है, यहाँ पर एक लिखा है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आप नीचे देख पाओगे जो भी आपने ज्वाइंट किया होगा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, ज्वाइंट पर क्लिक कीजिएगा। अब यहाँ पर मैंने दोस्तों टोटल ट्रेड दिखा रहा है, तो यहाँ पर मैंने टोटल इन्वेस्टमेंट आप देख पा रोगे 6 रुपये किए हैं, जो मुझे एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना मिलेगा यहाँ पर आप देख पा रोगे 10 रुपये मिलेंगे। ठीक है, याद रखना। अब देखिए दोस्तों इस भी मैं क्लिक कर देता हूँ,
इस पर आप दोस्तों जो क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको रियल प्राइस देखने को मिल जाएगा। अगर यहाँ पर दोस्तों मैंने क्लिक किया, अब ये देखिएगा एप्लीकेशन खुद के पैसे काट कर बता रही है मुझे कि आपने यस किया है, तो जो आपको एक मतलब आपने कितने पैसे 6 रुपये इन्वेस्ट किए हैं, आपको इस टाइम पर जो रिटर्न देखने को मिलेगा दोस्तों यहाँ पर आप प्रॉफिट देख पाओगे 3.2 पैसे मिलेगा, 3 रुपये 20 पैसे मिलेगा, ठीक है अभी के हिसाब से। ठीक है अभी मुझे कोई प्रॉफिट नहीं हुआ है, जब ये हो जाएगा ये देखने को मिल जाएगा। अगर मैं नो करता तो यहाँ पर मुझे 6 रुपये का प्रॉफिट देखने को मिलता, याद रखना ठीक है। तो ये एप्लीकेशन आपको ये बता देती है कि इतना भी पैसे आपको मिलेंगे, पर एक्सपेक्टेड दोस्तों यहाँ पर 4 रुपये दिखा रहा है क्योंकि 6 तो मैंने खुद ने लगाए हैं और 10 रुपये मुझे मिलेंगे, तो फिर भी यहाँ पर एप्लीकेशन कितने 80 पैसे खुद के काटेगी मतलब, ठीक है। और यहाँ पर 3 रुपये 20 पैसे मुझे दे देगी प्रॉफिट, ठीक है अगर मैं यहाँ पर जीतता हूँ राजस्थान ये जीतेगी तो आप ऐसे पैसे लगा सकते हो। जॉइंट पर क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा आपने कितने ट्रेड लिए हैं, स्लॉट दोस्तों जितने मैच होंगे। और देखिए दोस्तों आपको लग रहा है कि नहीं यार ये नहीं जीतेगी तो आप उसे सेल भी कर सकते हो, सिंपल सा है। यहाँ पर आपको दोस्तों वापस से इसी पर क्लिक करना है, ठीक है यस पर क्लिक कीजिएगा। अब आपको लग रहा है कि नहीं यार मैं तो इसे एग्जिस्ट कर देता हूँ, तो आप देखिए दोस्तों यहाँ पर सिंपल सा कर सकते हो, यस या नो भी कर सकते हो, ठीक है नो भी आप करोगे तो सेम टू सेम नो करना है आपको, ठीक है। आप देखिए दोस्तों आपको मैं मान लेता हूँ कि एग्जिट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो दोस्तों एक सेल का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, छोटा सा यहाँ पर सेल लिखा है, तो सेल पर क्लिक कर दीजिएगा। आप जैसे सेल पर क्लिक करोगे यहाँ पर छोटा सा, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो ठीक है ये सेल लिखा है, इस पर क्लिक करिएगा। अभी कितने पर मैं एग्जिट कर सकता हूँ क्योंकि अभी मैच नहीं चल रहा है तो मैं उसी प्राइस पर कर सकता हूँ, पर अगर आपने जैसे मान लेता हूँ किसी प्लेयर का आपको लगा कि यार ये इतने रन बना देगा, 200 बन जाएगा, आपने ये बन प्रेडिक्ट किया है, ठीक है फिर आपको लगा कि 2-3 विकेट गिर गया अब नहीं बनेगा, तो आप उस प्राइस पर तो नहीं निकल पाओगे जितने पे आपने इन्वेस्ट किया था, पर थोड़े से लॉस लेने के बाद आप निकलना चाहो तो निकल सकते हो। सिंपल सा आप यहाँ पर डिफरेंट प्राइस सेलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पर चाहो तो कि उस पैसे पर नहीं मैं तो थोड़ा लॉस ले लूँगा पर मुझे निकलना है, तो यहाँ पर 6 से मैं 7.5 कर देता हूँ जैसे, ठीक है एग्जिट मैं कर देता हूँ, 1 रुपये का मैं लॉस ले रहा हूँ, ठीक है आपको दिखाने के लिए। यहाँ पर डन क्लिक करूँगा तो देखिएगा दोस्तों ये सेल होने के लिए लगा दिया है मैंने। अब यहाँ पर कोई भी बाय कर लेगा तो हो जाएगा, अगर कोई बाय नहीं करेगा तो पूरा आपको लॉस वैसे भी होना है और ऐसे भी होना है, ठीक है यहाँ रखना। पर यहाँ पर अगर आप सेल कर दोगे तो उसका ये रहेगा कि अगर किसी ने ले लिए, किसी को लगेगा कि यार बन जाएंगे, किसी को भी लग रहा है तो आपको ट्रेड ले लेगा, याद रखना ठीक है। फिर आपको लॉस तो होगा पर थोड़ा बहुत आपको प्रॉफिट मतलब जो रिटर्न आपको मिल जाएगा वो आपके पैसे बच जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप खेल सकते हो यहाँ पर रियल एलेवन एप्लीकेशन पर। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर कैसे आपको पैसे डिपॉजिट करने हैं, तो यहाँ पर वॉलेट पर क्लिक करना, यहाँ पर आप पैसे डिपॉजिट कर सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो, सिंपल सा तरीका है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको कितना रिटर्न मिला है, हिस्ट्री पर क्लिक कीजिएगा, फिर यहाँ पर आपको इधर जाना है, ओपिनियन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने अभी आपको जो करके दिखाया यहाँ पर आप देख पा रहे ज्वाइंट ट्रेड दिखा रहा, अभी एग्जिट नहीं हुआ मतलब अभी तक किसी ने लिया नहीं क्योंकि मैच अभी चल नहीं रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ज्वाइंट ट्रेड देख पा रहे 6 रुपये पर लिया था मैंने, अभी कोई इसी ने यहाँ पर लिया नहीं है, तो अभी जब कोई ले लेगा तो यहाँ पर मुझे रिटर्न देखने को मिल जाएगा। जैसे कल मैंने यहाँ पर ये तो मैंने एग्जिट कर दिया था कि मतलब मैच नहीं होगा इसलिए, तो यहाँ पर आप देख पा रहे मैंने यहाँ पर कितने लगाए थे दोस्तों, यहाँ पर रिसीप आप देख पा रहे 493 लगाए थे, बहुत ज़्यादा पर लिया था ये मैंने, आप देख पा रहे कितने पर, 8.5 पर लिया था मतलब जब मैं कन्फर्म हो गया था कि नहीं मतलब बन जाएंगे इतने रन तब लिया था, तो मैंने 493 लगाए थे, जब मुझे प्रॉफिट हुआ था तो 562 का हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर लगभग मुझे 70 रुपये का प्रॉफिट हो गया था, याद रखना जब मैं कंफर्म हो जाता हूँ तब लेता हूँ, ऐसे नहीं कि हर बार प्रॉफिट के लिए मतलब मैं पहले ही लगा देता हूँ, फिर उसमें आप ज़्यादातर लॉस में चले आओगे, याद रखिएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप पैसे कमा सकते हो, लगभग मैंने सब कुछ आपको बता दिया है। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, आपका भाई आपको रिप्लाई ज़रूर दे देगा, याद रखना ठीक है। अब मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।